आज मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप ऑन होते ही इस तरह की आवाज करने लगा। क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे साथ पहले भी आ चुकी हैं और पहले भी मैं अपना लैपटॉप ऑन कर चुका हूं। लैपटॉप का कीबोर्ड जब खराब हो जाता है तब लैपटॉप में इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसके लिए अब हम इसका कीबोर्ड खोल लेंगे। कीबोर्ड खोलने के लिए आप छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इन छेदों में हम पतला सा स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और पीछे की तरफ सेलेक्ट करेंगे, जिससे ये कीबोर्ड अलग हो जाएगा। यहाँ मैंने जो छेद दिखाए थे उन छेदों में अपना स्क्रू ड्राइवर इस तरह डाल लिया है और पीछे की तरफ सेलेक्ट करके हम एक एक करके इनको खोल लेंगे। ये जस्ट सिंपली तरीके से लॉक होता है और बहुत आसानी से इन लोगों को हम खोल सकते हैं। इससे अलग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने जितने भी लॉक थे इनको खोल लिया। अब हम कीबोर्ड को इससे अलग कर लेंगे। यहाँ हमने कीबोर्ड को उठा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पतली सी स्ट्रिप के माध्यम से ये हमारे लैपटॉप से जुड़ा हुआ है। या नीचे आप क्लिप सा देख सकते हैं, हमने उसको उंगली डालनी है, उंगली डाल के ऊपर की तरफ उठा देना है। इस तरह देखो क्लिप होता है, इसको आपको पीछे की तरफ खींच लेना है और ये खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे जो पतली सी तारों की जो आप देख श्रेणी देख रहे हैं, पतला सा पत्ता देख रहे हैं तारों का पत्ता, यह बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस तरह हम इसको अलग कर लेंगे। अब इसको हम अलग करके बाहर खींच लेंगे। ये हमने अलग खींच लिया। अब हम इसमें अपना एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के देखेंगे। कीबोर्ड लगाने से पहले हम इसको एक बार चेक करेंगे, ऑन करेंगे ये ऑन होता है नहीं होता। अगर अभी भी ये ऑन नहीं होगा इसका मतलब इसमें दूसरा इशू है। हमने बटन दबा दिया है पावर का, अभी भी इसमें उसी तरह की साउंड आ रही है। इसका मतलब कीबोर्ड का इशू नहीं था। अब हम इस कीबोर्ड को वापस इसमें लगा देंगे और अब हम इसका जो दूसरा इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हमने अपने कीबोर्ड को फिक्स कर दिया है। अब हम पीछे जो कॉस्मो सेल होती है उसको हम रिप्लेस करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को अलग कर लेंगे। बैटरी को निकालने के बाद अब हम इसका ये वाला पोर्शन खोलेंगे, ये जो है ना इस एरिया को खोलेंगे। इसके अंदर एक सेल होती है जिसको कॉस्मो सेल बोलते हैं, उस सेल को अब हम निकालेंगे। वही डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से हमारे लैपटॉप में इस तरह का इशू आया है। यहाँ में दो स्क्रूज दिख रहे हैं, एक स्क्रू ये रहा, एक स्क्रू ये रहा। हम इन स्क्रूज को खोल लेंगे। ये दोस्तों हमने खोल लिया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कॉस्मो सेल दिख रही होगी। अब हम इस सेल को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये दोस्तों हमने सेल को निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको पहले से लाके रख लेनी है। ये जो सेल नंबर है इसका है CR2032। ये दोस्तों मैं 30 रुपीज की खरीद के लेके आया हूँ। अब हम इसको अपने लैपटॉप में डाल देंगे। दोस्तों सिंपली ऐसी ये स्लाइड होके डल जाएगी। अब दोस्तों हम इस ढक्कन को लगा देते हैं। अब दोस्तों हमने इसकी बैटरी भी लगा दी है। अब हमने अपने इस चार्जर को अपने लैपटॉप में लगा दिया है। अब हम पावर का बटन दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पावर का बटन हमने दबा दिया है, अब लाइट होनी आनी शुरू हो गई है और वाओ, हमारा लैपटॉप दोस्तों रिपेयर हो गया है।